तो हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक चंद्राकर और आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने पहले एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूं, ये थर्ड पार्ट है बीमा के क्षेत्र में या बीपीओ या बैंक के क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बीमा में सीजीएल का विस्तृत रूप है कमर्शियल जनरल लाइबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, खालिस्तान ऐसा बीमा कवरेज है जो निर्माता वितरक उत्पाद के विक्रेताओं को उत्पाद के रूप के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति या संस्था को व्यक्तिगत हानि या क्षति के कारण दोषपूर्ण स्थिति से उत्पन्न कानूनी देयता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्पाद देयता इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, खालिस्तान संविदात्मक समझौते से उत्पन्न होने वाली देनदारी जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ नुकसान यदि होते हैं तो विशिष्ट पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा, तो इसके संविदात्मक देयता होता है इसका आंसर। ठीक है, थर्ड, ईडा अधिनियम 1999 कौन सी धारा प्राधिकरण के कर्तव्य शक्तियों और कार्यों को निर्दिष्ट करती है, तो अनुच्छेद 14। बीमा सलाहकार समिति बीमा उद्योग के विकास प्राधिकरण और विनियामक पहलुओं पर IRDAI के सलाह देती है, समिति में किसी भी समय सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते 25। कितने सदस्य होने चाहिए, 25 बीमा सलाहकार के। पहले कर्मचारी राज्य बीमा ESI योजना का उद्घाटन किस शहर में किया गया था, कानपुर में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा IRDA द्वारा मान्यता प्राप्त शीर्ष निकाय है जो लाइसेंस प्राप्त बीमा ब्रोकर है, IBAI। ठीक है, किसी व्यक्ति के मामले में बीमा कंपनी की चुकता इक्विटी पूंजी में प्रस्तावित शेयर धारिता को खालिस्तान प्रतिशत पर निर्धारित किया जाता है, तो 10% पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला जीवन बीमा उद्योग किस शहर में स्थापित किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। किस वर्ष से IRDA ने भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय करने हेतु तो निजी क्षेत्र में कंपनियों को लाइसेंस देना शुरू किया, 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना बीमा योजना है, PMSBY। बीमा में पेड अप पॉलिसी का अर्थ है ऐसा पॉलिसी जिसके लिए आगे प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता नहीं है और परिपक्वता तक लाभ प्रदान करना जारी रहता है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVBY किसके द्वारा शुरू की गई है, भारतीय जीवन बीमा द्वारा। प्रधानमंत्री जीवन बीमा निगम LIC अपने पॉलिसी धारकों को कितने प्रतिशत वार्षिक लाभ देता है, तो 95%। वाह, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा के साथ साथ निवेश का भी संयोजन है, यूनिट सहबद्ध बीमा योजना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपत्र कई अलग अलग बीमाकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने हेतु विकसित किया गया है जिसके प्रावधान बिल्कुल समान है, माफक पॉलिसी प्रपत्र। बीमाकृत संपत्ति का मूल्यांकन करने का तरीका या उस विधि द्वारा मूल्य की गणना को किस रूप में जाना जाता है, वास्तविक नगद मूल्य। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में हाल में बैंक ने 51% हिस्सेदारी खरीदी है, किस बैंक की, मतलब हिस्सेदारी खरीदी 51%, तो IDBI बैंक। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा रिपाजिटरी सेवाएं प्रदान करता है, तो IRDA इरडा। इनमें से कौन सा सत्य है, तो बीमा जोखिम को सामूहिक धारक है, किसी प्रकार का बीमा दो या दो से अधिक वस्तुओं या स्थानों को कवर कर सकता है, ब्लैंकेट पॉलिसी। वह राशि जिसका भुगतान बीमा से पहले किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य देखभाल खर्चे के 100% भुगतान करना पड़ता है, आउट ऑफ पॉकेट लिमिट, आउट ऑफ पॉकेट लिमिट। जीवन बीमा कंपनी कितने वर्ष के बाद बीमा दावे को अस्वीकार नहीं कर सकती है, 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष तक आप पढ़ाइए। खालिस्तान साधारण बीमा कंपनी एक अधिकार है फसल बीमा, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य क्षेत्र में कवर से निश्चित राशि है, सह भुगतान। खालिस्तान एक पॉलिसी अनुबंध है जो किसी कारण से पॉलिसी निर्दिष्ट होने पर सभी कानूनी प्रभावों से मुक्त हो जाता है, तो शून्य। अपने पॉलिसी धारकों के स्वामित्व वाली कंपनी जो अपने लाभ का कुछ हिस्सा पॉलिसी धारकों को लाभांश के रूप में देती है उसे किस रूप में जाना जाता है, म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ऐसा अनुबंध जिसके तहत पुनर्बीमाकर्ता का अंतिम दायित्व सीमांकित किया हुआ है और जिस पर प्रत्याशित निवेश आय को हामीदारी घटक के रूप में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाता है उसे कहा जाता है परिमित जोखिम पुनर्बीमा। ऐसा वातावरण जहां बीमा बहुतायत में होता है और कम कीमत पर बेचा जाता है जिसे क्रेता बाजार भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट मार्केट। एक पूर्ण लाइफ पॉलिसी जिसमें प्रीमियम तब तक देय होता है जब तक बीमाकृत जीवित रहता है उसे कहा जाता है आजीवन बीमा। ठीक है, ब्रांड नाम इंडिकेस के तहत
व्हाइट लेबल एटीएम कियोस्क का सबसे बड़ा स्वामित्व और संचालक है टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस। भारत में यूपीआई को लॉन्च करने का पहला भुगतान बैंक निम्न कौन सा था? एयरटेल पेमेंट बैंक था। डेबिट कार्ड पर ईएमआई सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला बैंक कौन है? आईसीआईसीआई बैंक। दोस्तों ये है जबरदस्त 50 क्वेश्चन का तड़का। अलाहाबाद बैंक का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है तो कोलकाता में है। और अगला क्वेश्चन, भारत सरकार माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? देश की शासन प्रणाली और विकास में भारतीय नागरिकों को प्रभावशील भागीदारी को बढ़ावा देना है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने खालिस्तान में बिजली उत्पादन उन्नयन वितरण हेतु खालिस्तान 1925 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है त्रिपुरा में। देखिए भ्रष्टाचार, भारत को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में 78वां स्थान दिया गया है। यह सूचकांक कौन से प्रतिवर्ष जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने खालिस्तान रुपये की 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है 295.01 करोड़ रुपए, 295.01 करोड़। एमएसएमई को पूंजी का भी गम प्रदान करने के लिए एनएसई ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यह उत्तराखंड के साथ। आरबीआई ने क्षेत्र में ग्रामीण बैंकों को लघु वित्त बैंकों द्वारा दिए जाने वाला गृह ऋण पात्रता सीमा बढ़ाकर बड़ा महानगरीय क्षेत्रों में रुपये खालिस्तान लाख कर दिया है, तो 35 लाख। किस राज्य ने बिजली और पानी के बचत के लिए आधारित सिंचाई योजना लॉन्च की है? हरियाणा ने। भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड BCSBI का गठन 2006 में एस तारापोर की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। एस तारापोर। नरसिम्हा समिति एक का निम्न में से किस क्षेत्र में सुधार के लिए कुछ सुझाव देने की स्थापित किया गया था? बैंकिंग सुधार प्रक्रिया। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के जुड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या है? 18 से 40 वर्ष। वर्तमान में कितने देश IMF के सदस्य हैं? 189। 189। डिजिटल सेवा प्लेटफॉर्म योनो, यू ओनली नीड वन योनो, किस बैंक से द्वारा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, है ना। CRR का विस्तृत रूप है कैश रिजर्व रेशियो। निम्न में से कौन सी संस्था SBA प्रक्रिया देखरेख करती है? सेबी। SEBI प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर 4 अक्टूबर 2018 में इस्तीफा दिया। HDFC नहीं, ICICI बैंक से इस्तीफा दिया। वह ICICI बैंक से जुड़ी थी ना। फिक्की FICCI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, फिक्की का। तो ये था दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो अब चलते हैं हमारे सीजन को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share, subscribe, please, my channel.